अपने प्राण दे दोगे? प्राण दे दोगे, अपना पूरा जीवन दे दोगे, सारा परिवार दे दोगे, सारी संपदा दे दोगे? फैसला करो, जिनको ऐसा कर सको उसको लिखना इष्ट में, यह मुझे इष्ट है, यह मुझे इष्ट है। भगवान के लिए भी यही, तुम भगवान को चाहते हो, गुरु को चाहते हो? गुरु को यदि चाहते हो तो गुरु के लिए कभी मरने को तैयार हो? आज तक कोई व्यक्ति हुआ नहीं ऐसा जो गुरु को चाहने वाला मिला हो। चाहते बहुत हैं, लेकिन परीक्षा देकर पास होने वाला कोई श्रावक नहीं मिला जिसने ये सिद्ध किया हो कि मैं गुरु को चाहता हूँ। चाहते सम्यक दृष्टि है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं मिला। दुनिया में, संसार में एक व्यक्ति प्रैक्टिकल दिया, जिसने परीक्षा दी कि मैं गुरु को चाहता हूँ, उसका नाम था शूकर। मनुष्यों में कोई नहीं हुआ जो गुरु को बचाने के लिए मरा हो, गुरु को बचाने के लिए मर गया हो। बहुत बड़ी चीज है। सारा परिवार छोड़ने को तैयार है, सारे परिवार को अनाथ कर दिया गुरु के लिए, स्वयं मरने को तैयार। शमंत भद्र महाराज को पूरी इस मनुष्य राशि में कोई जीव नहीं मिला, शूकर मिला, जिसने कहा कि मैं मुनिराज को इतना चाहता हूं कि इनको बचाने के लिए मैं अपना जीवन दांव पर लगाता हूं। लगा दिए, दुनिया मर गया। क्या आपका कोई ऐसा चहेता गुरु है? चहेता गुरु है जिसको कभी मौका पड़ जाए तो उसके लिए क्या मर सकोगे? ऐसे ही लगे, महाराज हमने आपको गुरु बना लिया, आप गुरु हो मेरे, आप ही हमारे हैं सब कुछ। माने के देखो ये भाई, बनिया ही बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। तुम लोग जब गुरु बनाते हो ना, कहते हो बड़े, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ ये सब काय के लिए बना रहा है रे? अरे बाबा, जब कोई काम नहीं आता तब आप काम आ जाना। मैं समझ जाता हूँ कि ये बनिया ही है, और मैं बनियों का गुरु नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जैनी का गुरु बनना चाहता, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो। बनिया तो स्वार्थ से बनाता है, लेकिन जो जैनी है वो बनिया कहेगा महाराज जब मरने लग जाऊं तो आप बचा लेना। अपने प्राण बचाने के लिए गुरु बनाएगा, और जैनी जब गुरु बनाएगा तो कहेगा गुरुदेव आपको बचाने के लिए मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं, इसलिए मैंने गुरु, मैंने बचने के लिए नहीं बनाया है, मैंने गुरु इसलिए बनाया है क्योंकि गुरु स्वयं की रक्षा नहीं करते, मैं गुरु की रक्षा करूंगा। 99.99 लोग अपनी रक्षा के लिए गुरु बनाते, गुरु से आशीर्वाद मिलेगा अपनी रक्षा के। कौन गुरु की रक्षा के लिए गुरु बनता है, वो गुरु बनाता है? मैंने गुरु को इसलिए चुना है कि इनकी रक्षा मैं करूंगा, बॉडी गार्ड बने। कौन भगवान को चुनता है, भगवान मैंने आपको स्वीकार किया इसलिए कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपका मंदिर बनाऊंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपके सब कुछ आपके लिए करूंगा क्योंकि मैं आपको बहुत चाहता हूं, और किसी दिन मरना पड़े तो मरने को तैयार हूं। ऐसा मंत्र बताओ जिस मंत्र के लिए तुम मर सकते हो। एक मंत्र बनाओ अपने। कैसे होती है सिद्धियां? ये करोड़ों माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला। सिद्धि बताओ तुम किस मंत्र के लिए मर सकते हो। एक और मंत्र है, एक और मंत्र है, बस वो मंत्र तुम्हें सिद्ध हो जाएगा, वो मंत्र तुम्हारी जिंदगी की कसौटी है, परीक्षा होगी एक दो बार। कौन सा भगवान है जिसके लिए तुम मर सकते हो? बस भगवान की सिद्धि हो गई। इस मंदिर के लिए, इस मूर्ति के लिए मैं बहुत चाहता हूं, तो क्या कर सकते हो चाहते? मैं इसके लिए मर सकता हूं, इसको पाने के लिए मर सकता हूं, बस वो मूर्ति सिद्ध हो गई। गुरु महाराज को तुम चाहते हो, साधुओं को चाहते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुम कभी तैयार हो? गुरु की साक्षी पूर्वक नियम लेता हूं, गुरु के संकट दूर करने के लिए मैं मरने को तैयार हूं, मरूंगा मैं, लेकिन गुरु को आंच नहीं आने दूंगा। शूकर में ये भाव था, मुनिराज को शेर झपटने वाला था,
शुकर ने आगे कहा, सिंहराज आप महाराज को हाथ नहीं लगा सकते, मैंने गुरु बनाया ही था गुरु की रक्षा के लिए, मैंने अपनी रक्षा के लिए गुरु नहीं बनाया। पूज्यवर शुभचंद महाराज ने आत्मानुशासन में जो वृद्धों की बात कही गुरुजनों की, ज्ञानी क्या कहता है, मैंने माँ बाप को इसलिए नहीं पाला है, माँ बाप को इसलिए साथ नहीं रह रहा हूँ, मुझे माँ बाप की रक्षा करना है, मुझे माँ बाप की सेवा करना है, मुझे माँ बाप की हर जरूरत पूरी करना है, इसलिए मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। दो व्यक्ति समझना, मैं माँ बाप के साथ इसलिए रहता हूँ कि मैं निकम्बा हूँ, असमर्थ हूँ, पापा के साथ रहूंगा तो जमीन जायदाद मिल जाएगी, व्यापार मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी। जो माँ बाप के साथ नहीं वो तो उसका स्वार्थ है, मजबूरी है, कोई दूसरा रास्ता न दिखा तो उसने माँ बाप को स्वीकार कर लिया। और सच्चा बेटा होगा तो क्या करेगा, मैंने माँ बाप को इसलिए स्वीकार नहीं किया है कि वो मेरे काम आवे, मेरी सुरक्षा करे, नहीं, मैं माँ बाप के साथ इसलिए रहता हूँ कि सदा मैं इनकी आज्ञा का पालन करूँ, सदा सेवा करूँ, सदा इनके चरणों को छूँ, सदा इनके दुखों को दूर करूँ, इसलिए मुझे माँ बाप चाहिए, इसलिए चाहिए माँ बाप, मुझे छाया के लिए नहीं। बड़ा बेटा होने के बाद तुम माँ बाप की छाया में मत रहना, माँ बाप को अपनी छाया में रखना। जब तुम बचपन में होते हो तो माँ बाप की छाया रहती है, होना ही चाहिए, लेकिन बड़े होने के बाद अब माँ बाप की छाया बनो, पापा मम्मी आप छाया में बैठोगे, मैं धूप में खड़ा रहूँगा, आपकी सेवा करने के लिए मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, आपकी वसीयत के लिए नहीं, आपके आशीर्वाद के लिए नहीं। देखो हमारे और भाई सब अलग हो गए, फिर तू क्यों नहीं अलग हो जा, तू भी निपट। बोले नहीं मैं नहीं निपटूंगा, क्योंकि मैं माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ, माँ बाप को इसलिए मैं रख रहा हूं कि जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, इसलिए माँ बाप। ऐसे ही गुरु इसलिए नहीं बनाना कि गुरु मेरे काम आएगा, गुरु के नाम से मैं इज्जत कमाऊंगा, गुरु के नाम से मैं अपना जीवन में बहुत कुछ पालूंगा। 99% चेले गुरु को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अच्छा गुरु है ना, प्रसिद्ध गुरु है, इसका चेला बनने में बड़ा फायदा है, वैसे ही नाम मिलेगा, रोशन होगा, अच्छा नहीं मान, नहीं पलट दो इसको, मैं गुरु बना रहा हूं क्योंकि गुरु की सेवा के लिए, उनकी मुसीबत दूर करने के लिए, उनके संकट दूर करने के लिए, उनके जीवन के लिए कुछ सुविधाएं जुटाने के लिए, इसके लिए मैंने गुरु बनाया है। कौन बनाता है, सब अपने लिए बनाते हैं, गुरु बना लो कभी काम आएंगे, मंत्र दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, पीछे लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या तुम्हारी उम्मीदें रहती हैं, सब फ्रॉड है। सच्चा सेवक कौन है जो गुरु को इसलिए बोले, गुरु किस लिए बनाना है, कोई संकट नहीं वो तो मैं निपटा लूंगा, मैं गुरु के संकट दूर करना चाहता हूँ, गुरु के संकट, और गुरु के संकट दूर करना चाहता, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने गुरु बनाया। ऐसे भगवान।